बांध दो इसे, जल्दी। चल पीछे पीछे, बाउंसर चल पीछे। मनीष भैया रुक जाइए, वो पापा जी को कुछ भी कर सकता है, उनकी जान ले लेगा। गेंदा बिल्कुल सही कह रही है वरुण भैया। गेंदा तेरे पापा जी कुछ कर बेटा। कुछ नहीं होगा मम्मी जी, पापा जी हम हैं ना। तुम हो तो क्या? हाँ? जल्दी से माफी मांग लो वरना अपने ससुर की आत्मा की शांति मांगनी पड़ेगी। आंटी जी बोलिए ना अपनी इस अड़ियल बहू को, क्या ज्यादा प्यारा है इसे, अपने ससुर की जान या अपनी इज्जत? नहीं तो आई कैन जस्ट शूट हिम। तुम इसकी बातों में मत आना गेंदा, ये बकवास कर रहा है, ये क्या जाने परिवार की इज्जत क्या होती है। तुम मेरी चिंता मत करो। चिंता करनी पड़ेगी मिस्टर कुंदन अग्रवाल, क्योंकि आपके जान का रिमोट मेरे हाथ में है। बोलो मिस गेंदा अग्रवाल, तुम्हें अपने पूजनीय पापा जी की जान की चिंता है? और आई कैन जस्ट शूट हिम राइट नाउ। नहीं नहीं, मैं माफी मांगती हूं, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। प्लीज पापा जी को छोड़ दो। वाह, परिवार को समर्पित नारी, खुद को कुछ भी हो जाए लेकिन अपने परिवार पे आंच भी नहीं आने देगी। इंप्रेसिव। सिद्धांत तुम ये सही नहीं कर रहे। तो क्या सही है? जाने दो तुम्हें ऐसे ही, बिना माफी मांगे ऐसे ही जाने दो। तुम्हारी धर्मपत्नी मिस गेंदा अग्रवाल बहुत समझदार है, लेकिन आई एम नॉट अ फूल। माफी तो इसे मांगनी पड़ेगी वरना मैं इसका। नहीं, मैं माफी मांग रही हूँ ना। गुड गर्ल। मिस्टर सोनी, अगर 10 मिनट में गेंदा अग्रवाल और इन सब में मेरे पैरों में गिरकर हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगी तो सारी की सारी गोलियां मिस्टर कुंदन अग्रवाल के भेजे में डाल देना। दोबारा से ना, तैयार हो माफी मांगने के लिए? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी। तो पीछे मिस गेंदा अग्रवाल, लेट्स गो। गेंदा गेंदा माफी मत मांगना। अरुण नहीं नहीं नहीं, मनीष नहीं। नहीं सुनो, तुम दरवाजे पे खड़े हो जाओ, किसी को अंदर नहीं आने देना। बुढ़ापे में ज्यादा हिलना नहीं कुंदन अग्रवाल जी, वरना अगर मुझसे ये घोड़ा दब गया ना तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, समझे? बैठे रहो चुपचाप। Genda Agrawal. All right, ladies and gentlemen, your attention please. जैसा कि आप जानते हैं, ये हैं मिस गेंदा अग्रवाल, जो कि अग्रवाल एंड फैमिली की आन बान और शान है। आज ये मेरे पैरों पे गिरकर गिड़गिड़ाती हुई हाथ जोड़कर माफी मांगेंगी और अपनी अग्रवाल फैमिली की इज्जत में चार चांद लगाएंगी। मिस गेंदा अग्रवाल, तुम जितना समय यहाँ लगाओगी उतना ही समय तुम्हारे पूजनीय ससुर जी की जिंदगी से कम हो जाएगा। That's a pleasant surprise. तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? सदमा लग गया है? भूल गई तुम्हारे प्यारे पति का एक्सीडेंट, भूल गई कैसे मैंने तुम्हारी दुकान अपने बंदे भेजकर चोरी कराई थी। तुम शायद भूल गए, कैसे झूठ बोलकर मैंने तुम्हारी दुकान, अयन तुम्हारे पूजनीय ससुर जी की दुकान हत्याई है। और फिर उसे बर्बाद करने के लिए बदनाम भी किया। मिला नहीं। ये गार्ड कहाँ गायब हो गया? ये क्या कहाँ गया वो? मिला नहीं। ये सब छोटी हरकतें तो ये जो तुम्हें वेट्रेस की ड्रेस बनाकर यहाँ बुलाया है कि तुम और तुम्हारा पूरा परिवार सबके सामने बदनाम हो सके, ये सब तुम्हें छोटी हरकतें लग रही। तुम इस गेंदा अग्रवाल क्या चाहती हो तुम? ये है सिद्धांत सिन्हा की असलियत। हे भगवान, ये सब इसने किए बेचारे अग्रवाल फैमिली के साथ। तो सच में बहुत ही गिरा हुआ इंसान है और एमपी साहब इस नीच आदमी की पार्टी में आए हैं। हाँ, बहुत ही गिरा हुआ इंसान, नीचे सिद्धांत सिंह बहुत गिरा हुआ इंसान है। सर, लगता है मामला बिगड़ रहा है। जनता जवाब मांगेगी आपसे। तो देंगे जवाब? लोगों के सामने अपनी इमेज खराब करने का मुझे कोई शौक नहीं। ये सब क्या है सिद्धांत? मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार शहरी समझा था, पर तुम तो निहायत ही घटिया इंसान निकले। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सब करते हुए। शर्म तो तब आएगी जब इनके पास होगी। नहीं? और सिद्धांत सिन्हा, माफी वो लोग मांगते हैं जो गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, पाप करते हैं। एक मिनट, ये सब तो तुमने किया है ना, तो माफी भी तुम मांगोगे मुझसे, मेरे पूरे परिवार से, वो भी पूरे समाज के सामने। मुझे ना बहुत तरस आ रहा है तुम्हारी ये हारी हुई शक्ल देख के, सच्ची। और तुम्हारी शक्ल पे तो एक सवाल भी दिख रहा है कि ये वीडियो कहाँ से आया है ना। मैं बता देती हूँ। जब तुम मेरे सामने अपनी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे ना, तब कौन सा बड़ा तीर मार लिया है तुमने? हाँ, एक चोरी करवाई है बस, और छोटे मोटे करतब दिखाए। That's it. Really? तुम इस गेंदा अग्रवाल को मेरे करतब छोटे लग रहे हैं। चाची, अपने बंदे भेजकर चोरी कराई थी। तुम शायद भूल गई, कैसे झूठ बोलकर मैंने तुम्हारी दुकान, तुम्हारे पूजनीय ससुर जी की दुकान हत्याई है। भले ही मेरी कोशिश कामयाब ना हुई हो, पर मेरे महाराज जी मेरे साथ थे, शिवम के रूप में, और उसी ने ये वीडियो लिया। अच्छा किया ना। ये दोनों कहाँ गायब हो गए? ये उठोगे नहीं? चाका 10 मिनट का टाइम दिया था सर ने, लेकिन लगता है तुझे पहले उड़ाना पड़ेगा। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं किया मिस गेंदा अग्रवाल, क्योंकि अब तुम्हारे पूजने ससुर जी मिस्टर कुंदन अग्रवाल अपनी जान खो बैठेंगे। Really? आप खोलो 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 बैठाओ बैठाओ सही यार, मुझे बैठाओ सही यार। ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? सर को पता चलेगा तो तुम्हें छोड़ेंगे ना। बाप छोटे अग्रवाल साहब बैठ यहाँ पे, चल आजा। सिद्धांत सिन्हा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करने की बारी आई। चलो माफी मांगो हम सबसे। क्या हुआ सिद्धांत सिन्हा, क्या क्या सोच रहे हैं? मेरी बहू के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगोगे? आओ आओ नीचे उतरो। सिद्धांत सिन्हा किसी से माफी नहीं मांगता। Never, ever. आप लोग शांत हो जाइए, मुझे चेक करने दीजिए प्लीज। टिकट दी ओटी पास पास पास। अपने हाथों से आपको पे जानलेवा हमला करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। ले चलो इसे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे डैड अभी हॉस्पिटल में है। मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं अभी नहीं जा सकता, मेरे डैड हॉस्पिटल में है। चलना तो पड़ेगा, डॉक्टर है यहाँ पर। चलो इसे। छोड़ो मुझे। लेकर चलो इसे। You can't do this to me. Do you know who I am? I am bloody Sidhant Sinha. Do you know that? लेके चलो इसे। नहीं चल बे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इसमें सब बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे डैड अंदर है, वो बहुत बीमार है, उन्हें बहुत सारा खून बह रहा है। प्लीज प्लीज देखिए मेरी बात सुनिए। अभी आप मुझे यहाँ रहने दीजिए, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे मैं खुद आ जाऊंगा आपके पुलिस स्टेशन। प्लीज 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 एक सेकेंड मिस्टर सोनी, प्लीज डैड का ख्याल रखिएगा, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें समझ रहे हैं ना आप बिल्कुल चिंता ना करें सर, मैं अभी लॉयर को फोन लगाता हूँ और आपकी बेल का इंतजाम करता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर।